बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांडी का इस्तीफा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का भी इस्तीफा, तो वहीं कर्णदेव काम्बोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का भी इस्तीफा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दल बदल की जो सियासत है वो भी हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच देखिए इस्तीफा दे दिया है, और ऐसे में अब ये बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। तो टिकट बंटवारे में नाराजगी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आमतौर पर देखा है पहले भी जिस तरह से बीजेपी ने टिकट दिए और उसके बाद से ही नाराजगी भी सामने आ रही थी, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले और हरियाणा में भी वही हुआ। और इन नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि वो लंबे समय से सक्रिय हैं क्षेत्र में, और ऐसे में उनको टिकट ना देना नाराजगी का रूप ले लेता है और वो अब इस्तीफा भी देने के लिए जो है आमादा हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उसका कारण बताया गया कि आखिर टिकट ना मिलने से वो नाराज थे। 67 बीजेपी ने उम्मीदवार जो है वो घोषित किए हैं, और ऐसे में 9 एमएलए जिन्हें टिकट नहीं दिया, जिसमें से 3 मंत्री भी शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेता बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इसका पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय बीजेपी कोई भी कसर विधानसभा चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती। पिछली बार भी पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि सत्ता में है, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी कर रही है। तो अब देखना होगा कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा। और आज कांग्रेस की लिस्ट भी पहली आ सकती है, और सब कमेटी की बैठक आज है, और कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की कमेटी। इससे पहले भी कांग्रेस ने लगातार मीटिंग की है, और एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया हैं। और अब पहली लिस्ट का इंतजार है कि आखिर कौन से बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकते, लेकिन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस 7 सीटों के बात कर रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है, और आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आज कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक है, पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की कमेटी, और इस कमेटी में दीपक बाबरिया, अजय माकन और मधुसूदन है। तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है, और ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से बड़े नाम होंगे। पेंडिंग सीटों पर मंथन करने वाली है कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए और उसके बाद से कांग्रेस में और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आखिर बड़े जो चेहरे हैं उनको निकाल के सामने लाना है और उन्हें कमान देनी है। और कंचन मेरी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कंचन, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? कांग्रेस मंथन कर रही है, लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, 1 महीने का भी वक्त अब नहीं बचा है, क्योंकि 24 घंटे पहले से ही जो आचार संहिता लग जाती है, चुनाव प्रचार थम जाता है, उसके पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो आज पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को हरियाणा में लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत कई तरीके की अटकलें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी 9 से 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस इनको 7 सीटों पर देने पर सहमति जता रही है, और ऐसे में लगातार मंथन जारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ा है, तो शायद वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही अगर हमें विनीत फोगाट की बात करें या फिर बजरंग पुनिया की बात करें, वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो तमाम तरीके की अटकलें, और ऐसे में गहरा मंथन चल रहा है। हालांकि इसके पहले कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, अलग अलग नेताओं के साथ बैठकें हो चुकी हैं, प्रभारी के साथ हो चुकी हैं, आला कमान यानी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक कांग्रेस में हो चुकी है। तो ऐसे में आज उम्मीद है, क्योंकि बीते दिन बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो आज पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि बहुत कम ही समय बचा हुआ है। बिल्कुल कंचन, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है, 67 नामों का ऐलान किया है। ये बड़े चेहरे आखिर कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? जिस उम्मीद के साथ बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की, क्या ये सभी चेहरे खरे उतर पाएंगे?
देखिए, जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है वो चेहरे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग बीजेपी से दूर हो रहे ये तो देखने में सामने आ चुका है। रतिया से जो बीजेपी के विधायक थे उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि पूर्व सांसद को टिकट दे दिया गया है, तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसी के साथ कई और विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो नए चेहरों पर बीजेपी का दाव लगाना कितना सफल हो पाता है ये तो बात की बात है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो पार्टी से छूटते चले जा रहे, इसका नुकसान बीजेपी को जरूर हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे समय में जब एंटी इनकम्बेंसी का सामना बीजेपी कर रही है और कड़ी मेहनत करने की भी इस समय जरूरत है और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रहें और अपना जो है अनुभव ग्राउंड पर दिखाएं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर नुकसान इस समय होने वाला है बीजेपी को, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नुकसान हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनावों में जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे सत्ता में लाए, जनता चाहे सत्ता से हटाए, लेकिन नुकसान हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी तरीके की तस्वीरें मिली थी। और जो अभी भी हरियाणा सरकार में मौजूदा मंत्री हैं संजय सिंह, उन्होंने भी एक मीडिया के सामने बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि पुराने लोग इसी वजह से अलग होते हुए चले जा रहे क्योंकि पुरानों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बातें अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि नया कार्यकर्ता जुड़े ना जुड़े लेकिन पुराने को जाने नहीं देना है, लेकिन अब स्थिति वो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है कि नए लोगों को शामिल करने के चक्कर में जो पुराने लोग हैं वो पार्टी का दामन छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ब्लॉक का एक भी वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं जा पाएगा, क्योंकि किसान, खिलाड़ी, वो तमाम मुद्दे हैं।